अस्सलामुअलैकुम जनाब जी, आज आपको मैं मछली बनाने का तरीका बताने लगी कि आपने मछली किस तरह बनानी है, यानी इसकी तलाई किस तरह करनी है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इसका घर का बना हुआ मसाला बताऊंगी कि क्या इस्तेमाल है। मैं बाजारी इस्तेमाल नहीं करती, मैं हमेशा घरेलू इस्तेमाल करती हूँ। ये बड़ी टेस्टी बनती है, आप इस्तेमाल कर देखें। ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, थोड़ा सा इसमें मैंने पानी भी मिक्स किया है ताकि ये पतला रहे, और ये लेमन जूस लिया है मैंने, नमक आधा चम्मच लिया है क्योंकि मैं इसको नमक और अजवाइन लगवा चुकी हूँ, वो मैंने 4 घंटे पहले लगाई थी, इसमें मिक्स होगी। अगर मैं ज़्यादा नमक लगाऊंगी तो ये कड़वी हो जाएगी। 2 चम्मच मैंने बड़े खाने वाले चम्मच बेसन के लिए है, 2 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर लिया है, आधा मैंने गरम मसाले का चम्मच लिया है। ये मैंने काम इसलिए लिया है, ये सीने की जलन करता है, और सूखे धनिया पाउडर 1 चम्मच लिया है। अब मैं इन सब चीज़ों को मैरिनेट करने का आपको तरीका बताने लगी, सबको मैरिनेट करके बताने लगेंगे किस तरह करना है। सबसे पहले हमने ये फिश को लेना है, फिश को लेकर इसको अच्छी तरह लहसुन और अदरक का पेस्ट जो मैंने बनाकर रखा हुआ था उसको लगाने लगी। ये देखें इस तरह आपने लगा लेना है, लहसुन वो मैंने रख दिया। अब मैं इसी तरह दूसरी फिश लूंगी, इस तरह मैं बारी बारी सबको लहसुन लगा के लहसुन और अदरक का पेस्ट तो रखती जाऊंगी। ये देखिए अब मैं साथ आपको ये बताने लगी कि आपने ये मसाला किस तरह करना है। ये देखिए सूखी प्लेट थी, उसमें नमक डाला, बेसन, सुरख मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया। अब मैं इन सब चीजों को मिक्स करने लगी। अगर आपको लेमन जूस ना मिले तो आप इसमें दही भी डाल सकते हैं। ये देखिए सबसे आसान तरीका है इसको लगाने का। अगर लहसुन पाउडर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो इसी में मिक्सचर में डाल लेना आपने। ये देखिए कितने इजी तरीके से ये लग रहा है, बस मसाला लग गया सारा। इसको मैं इसमें दिया रख दिया। इसी तरह आपने बारी बारी सबको लगाता जाना, इसी तरह आपने सबको बारी बारी लगा के और इस तरह लेमन जूस ऊपर से लगा देना हल्का सा। ये देखिए मैं इसमें लेमन जूस डाल रही हूँ, बस यही तरीका है। आपने इसी तरह सारी बारी बारी मैं लगाती जाऊंगी सारी फिश मसाला। अब मैं सारी फिश को मसाला लगाकर आपको दिखाती हूँ। अब ये मैंने सारी मछली को मसाला लगा लिया है, अब ये बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं इसको 3-4 घंटे के लिए रख दूंगी रखने। अगर आप एक रात रख दें तो ज़्यादा बेहतर, 1 दिन पूरा रखेंगे तो इसमें ज़्यादा मसाला रच जाएगा और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। और ये बचा हुआ जो था लेमन जूस वो भी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, इस तरह छिड़क देना आपने। अब मैं आपको तलकर दिखाती हूँ। अब 4 घंटे गुजर चुके हैं, अब मैं इसको तलने लगी हूँ।
ये देखिए मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ, जब इस तरह की गोल्डन हो जाए तो आपने निकाल लेना है। अब मैं इसकी साइड चेंज करने लगे, ये मेरे साथ की साइड चेंज कर ली। ये देखें अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी, इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हासिल होंगे, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।